पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के अंतर्गत आने वाला बिहार के सिवान रेलवे जंक्शन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को रीशेड्यूलिंग कर रेलवे ने चलाने का निर्णय लिया है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि रेलवे द्वारा डोमिनगढ़ गोरखपुर गोरखपुर कैंट कुसमही खंड के मध्य तीसरी लाइन निर्माण के परिप्रेक्ष्य में गोरखपुर कैंट स्टेशन पर पैदल उपरिगामी पुल FOB के गडर कार्य के लिए ब्लॉक किए जाने के कारण 29 एवं 30 अप्रैल 2023 को गाड़ियों को रीशेड्यूलिंग कर चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत सिवान से 29 अप्रैल 2023 को प्रस्थान करने वाली 051-53 सिवान नकहा जंगल अनारक्षित विशेष गाड़ी सिवान से 3 घंटा रीशेड्यूलिंग कर चलाई जाएगी, तो वहीं सिवान से 30 अप्रैल 2023 को प्रस्थान करने वाली 051-53 सिवान नकहा जंगल अनारक्षित विशेष गाड़ी को सिवान से 2 घंटा रीशेड्यूलिंग कर चलाने का निर्णय लिया गया है।